बच्चों, आज हम सीखेंगे विनती पद का विस्तार। आज हम जानेंगे आपका आपके पाठ्य पुस्तक का पहला पद्य है विनती। आज हम विनती के बारे में सीखेंगे। देखिए, मैं एक बार आपको पढ़कर दिखाऊंगी, उसके बाद आपको पद्य का सारांश बता दूंगी, ठीक है। हे प्रभु, हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए, सत्य के पथ पर चले, हम सदाचारी बने, ठीक है। परहित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने, गुरुजनों का करे आधार, हम आज्ञाकारी बने, ज्ञानी बने बलवान हो, हम भारत माँ की शान हो, मातृभूमि की करे रक्षा, देश के प्रहरी बने। हे प्रभु, हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए, ठीक है। ये है पद्य, और ये पद्य का सारांश आपको अभी जानना है। तो कैसे करेंगे, पद्य का पहला वाला जो अक्षर है, हे प्रभु हम बालकों को। हे प्रभु मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, प्रभु कवि अभी छोटे हैं तो छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि वो छोटे हैं करके, और हम भगवान से क्या यानी कि क्या विनती कर रहे हैं करके, ठीक है। हे प्रभु हम बालकों को, हे प्रभु मीन्स क्या है यहाँ पे, आई राइट योर डिफिकल्ट वर्ड्स, यू ऑल्सो राइट इट डाउन, ओके। प्रभु मीन्स भगवान, लॉर्ड, भगवान मीन्स लॉर्ड। और आगे जो है, हम बालकों को, बालकों यानी क्या है, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन यू कैन से या किड्स, छोटे बच्चों को बुद्धि इतनी दीजिए। बुद्धि मीन्स नॉलेज, बुद्धि मीन्स क्या है, नॉलेज। ज्ञान, बुद्धि मीन्स नॉलेज और ज्ञान, इतनी दीजिए बुद्धि, इतनी नॉलेज, इतना दीजिए कि हम सत्य के पथ पर चले, यानी हम सदा सत्य कहें। वी सेड ऑलवेज ट्रूथ, वी शुड नॉट से ऑलवेज, वी शुड नॉट मीन्स से टू लाई टू एनीबडी, हम किसी को भी झूठ नहीं बोल सकते और नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, आपको सदा सच ही बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आई राइट योर सत्य मीन्स ट्रूथ, सच, सत्य मीन्स सच, ट्रूथ, सदा सत्य पथ पर चले, ठीक है। पथ यानी क्या है, पथ यानी कि हियर सेकंड पैरा थर्ड वर्ड, पथ, पथ यानी क्या है, रास्ता, रोड, ठीक है। उसके बाद हम सदाचारी बने, सदाचारी मीन्स अच्छा आचरण, गुड मैनर, सदा आचरण मीन्स गुड मैनर, गुड मैनर्स मीन्स क्या है यहाँ पे, सदाचारी मीन्स, सदाचारी मीन्स अच्छा आचरण,
गुड मैनर, ठीक है। गुड मैनर। उसके बाद जो है इसका मीन्स सेकेंड पैरा का अर्थ क्या हुआ, सत्य के पथ पर हमें चलना है और किसी से भी झूठ नहीं कहना है हमें, और अच्छा आचरण रखने हैं, अच्छे यानी कि गुड हैबिट्स हमें अपने जीवन में निभाना है और उसको यूटिलाइज करना है, हमें अच्छे आदर्श पर चलना है, अच्छे आचरण पे हमें चलना है। यहाँ ये हो गया, ठीक है। अभी तीसरा वाला पैरा जो है, परहित हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने। परहित मीन्स दूसरों का भला, वेल विशर वी कैन से। परहित मीन्स दूसरों का भला। ठीक है, वेल विशर। तो ये हो गया यहाँ का कठिन वर्ड। अभी नेक्स्ट है हमारे कर्म। कर्म यानी कि क्या है, जो हम अच्छे काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। कर्म मीन्स वर्क, जो भी हम करते हैं उसे काम को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म मीन्स काम, वर्क, ठीक है। ये हो गया और डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी हमें कैसे बनना है, परोपकारी। हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमारा हो गया खाना तो दूसरे का खाना नहीं है तो उसको हमें हेल्प करना चाहिए, तो उसका रिबैक आपको सोचना नहीं है क्योंकि मैंने इसको हेल्प किया तो ये मुझे हेल्प करेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप वेल विशर हो तो वो, आप परोपकारी है तो वो उसकी अच्छाई को आपको देखना है और उसे उसके रिटर्न बैक से सोचने के बजाय उनको मदद करना है, उसके पास से कुछ मदद की गुंजाइश नहीं रखनी है। इससे आपको क्या कहते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, परोपकारी। ऑलवेज हेल्प टू अदर्स, नॉट ओनली डिपेंड ऑन देम, यू हैव टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। जैसे कि अंधे रहते हैं तो अंधे को हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक क्रॉस करने के लिए उनको मदद कर सकते हैं, ये है परोपकारी। यदि कोई भूखा है तो आप क्या कर सकते हैं, यदि वो भूखा है तो आपके पास बहुत सारा खाना या इतना सा खाना रहा तो भी आप उसको इतना सा अपने में से दूसरों को देना है, उसको हेल्प करना है। इस तरह आप परोपकारी बन सकते हैं। यहाँ है तीन पैरों का अर्थ क्या है, हे भगवान हम छोटे बालकों को बुद्धि दीजिए कि हम सदा सत्य के राह पर चले और किसी से झूठ ना कहें और सदा अच्छे आचरणों का हम पालन करें और दूसरों के हित के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़े। यहाँ ये पैराग्राफ की सारांश है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गुरुजनों का करे आधार हम आज्ञाकारी बने। गुरुजनों मीन्स हु, गुरुजनों मीन्स टीचर, गुरुजन मीन्स शिक्षक। शिक्षक टीचर, टीचर, टीचर का हमें पालन करना चाहिए। टीचरों को हमें क्या करना चाहिए, आदर। आदर मीन्स क्या है, उनको सम्मान, रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनकी यानी कि उनको इज्जत देना है, ठीक है। और हम आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी यानी कि टीचर, जो भी हम जैसे ही कहते हैं कि वहाँ पे मत जाओ, ये करो आप, वो करो, एक अच्छे से आदर्शों का पालन करना मीन्स रूल्स नहीं तोड़ने हैं। जो टीचर्स बोलेंगे, जो पेरेंट्स बोलेंगे, वो जो कोई भी बोलेगा उसको आप
रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, उनको आप ओबे करने हैं, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओबीडेंट होने चाहिए, ठीक है। आज्ञाकारी मीन्स ओबीडेंट, ओबीडेंट होने चाहिए। चलिए आज इतना ही, चार पैराग्राफ हम आज पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम ये तीन पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, वहाँ आप अपने टेक्स्ट बुक में भी वहाँ पीछे दिए गए हैं, यदि समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, सबको समझ में आएगा। और इंग्लिश जो मीनिंग है समझ नहीं आता है तो आप ये फॉलो कीजिए, या तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, कर सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इन तीनों पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।